नमस्कार दोस्तों, दिस दिवाली फाइव थीम्स, फाइव प्लेसेस, फाइव थिंग्स, जो भी वर्ड यूज़ करना चाहे, जहां आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, पांचों में कर लो, पांचवें में कर लो, पहले में कर लो, सारों में कर लो, जिसमें आप करना चाहें कर लो, मिक्स एंड मैच करके कर लो। तो पांच चीज़ें ला रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड आप बताना कि कौन सी वाली आपको ज़्यादा बढ़िया रही, किस वाले में आप करने की कोशिश करेंगे। इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, एजुकेशन पर्पज़ से बता रहा हूँ, मेरी ओपिनियन है। एंड पिछली बार भी जब मैंने बताए थे कई स्टॉक्स और कई चीज़ों के, जब वो रीच करते हैं तो अच्छा लगता है, एक आधे का नहीं भी करता और एक बार करता है, पर वो चेक करेंगे कि अगली दिवाली तक इसका रिटर्न्स कैसे रहते हैं। तो पहली चीज़ है कि आप लोग इन चीज़ों को अपनी वॉच लिस्ट या उस पर डालें, अपना ड्यू डिलीजेंस करें और मुझे खुद बताना कि कौन से वाला आपको ज़्यादा अच्छा लगा। तो पहले है सिल्वर। सिल्वर में दो चार रीज़न्स मुझे लग रहे हैं रनअप के। एक तो रशिया बाय कर रहा है, दूसरा इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत हो रहा है। दो चीज़ें बढ़ रही हैं इंडिया में, नहीं वर्ल्ड में, हर जगह। एक तो ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाली स्टोरी, दूसरी ये सोलर एनर्जी वाली। तो दोनों के अंदर सिल्वर यूज़ होता है एज अ कंपोनेंट। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में आपको पता है सिल्वर यूज़ होता है इन वेरियस कॉन्फिग्रेशंस एंड क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन ये सब बढ़ रहा है। तो सिल्वर का अनलाइक गोल्ड इंडस्ट्रियल यूज़ भी है, इन्वेस्टमेंट यूज़ भी है। तो इसको आप सिल्वर ETF की फॉर्म में डीमैट में खरीद सकते हैं, दैट इज़ द एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, या फिजिकली आप जाकर उसका कुछ खरीद भी सकते हैं, जो भी आपको ज़्यादा ठीक समझ में आए आप ले सकते हैं। सिल्वर इज़ समथिंग जो लाख रुपए टच कर गया है पिछले एक साल में, अच्छा खासा ऑलरेडी रिटर्न आ गया है और ये तेज़ी से भागता है सिल्वर, जो हमने पास्ट में देखा है। तो इसको लुकआउट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने एडवाइज़र से एडवाइस लेना चाहें तो ले सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं बताऊंगा आप लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए, वो एक थीम है। उसमें मैं कोई एक चीज़ नहीं बता रहा, पर एक थीम बता रहा हूँ एंड वो मुझे अगले साल बहुत अच्छी प्ले आउट करती दिख रही है, एंड उसका लॉजिक भी आप लोगों को बताऊँगा। ये थीम है, जैसे हम ऑटो सेक्टर के अंदर ऑटो एंसिलरी बोल देते हैं कि ये, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा तो ऑटो स्टॉक है, मारुति ऑटो स्टॉक है, ठीक है, लेकिन एंसिलरी यूनिट्स भी होती हैं कि भाई कोई एक्सेल बनाएगा तो जामना ऑटो, इनमें इन्वेस्ट करने को नहीं बोल रहा, एग्जांपल बता रहा हूँ कि क्योंकि वर्ड ऑटो एंसिलरी करके एक वर्ड होता है, तो उसी तरह मैं एक नया वर्ड कॉइन कर रहा हूँ, नई थीम कॉइन कर रहा हूँ, रियल एस्टेट एंसिलरी। कि भाई ये रियल एस्टेट है, घर है, तो ये घर के डेवलपर हो गए, तो घर के स्टॉक्स जो बनाते हैं वो तो DLF हो गया, ठीक है, माइक्रो टेक डेवलपर्स हो गया, लोधा बोलते हैं, जो शोभा हो गया, मतलब लिस्टेड गोदरेज है, 10-12 ही हैं, तो ये तो सब है, ये तो रनअप हो रखा है मामला जो है, इस पर नहीं बोल रहा। एंसिलरी को पकड़ो, एंसिलरी में क्या आएंगे, आपके टाइल वाले आ गए, सैनिटरी वेयर वाले आ गए, आपके आपके प्लाई बोर्ड वाले आ गए, आपके पेंट वाले आ गए। इसमें चेक करो टॉप प्लेयर 1, 2, 3 और उस पर रिसर्च करो, वॉचलिस्ट पे डालो। रीज़न ये है कि अभी इनकी प्रोडक्शन रिक्वायर बढ़ेगी और डिमांड बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि जो भी रियल एस्टेट बिकी है पिछले 3 सालों में, 2022-23-24 में बहुत ऑल टाइम हाई बिकी है। आप तभी तो आप देखो ना, जितने डेवलपर्स के नाम बताए मैंने, इनके शेयर प्राइस में इजाफा देखो, क्योंकि इनने बुकिंग कर दी। अब जब ये कंप्लीशन होगा 2025-26-27-28 में, जो इतना माल बिक चुका है, देखो आज रियल एस्टेट कैसा कर रही है, परसों कैसा कर रही है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, पर वो इन डेवलपर्स के शेयर प्राइस के लिए इंपॉर्टेंट है। पर भाई साहब, जो माल बिक चुका है वो तो ढका जाएगा ना, टाइल तो लगेगी, पेंट तो होगा, पंखे लिए जाएंगे, कॉपर वायर्स उनके अंदर डलेंगी, ठीक है, प्लाई बोर्ड लगेंगे, हर तरह की जो इस तरह की चीज़ें घरों के अंदर जो जो लगती हैं वो सब आप स्टॉक्स चेक कर सकते हैं। कुछ में बड़ा करेक्शन आया है, कुछ के अंदर जैसे टाइल्स वाली 1500 तक का जा रही है, कुछ चली गई थी, उसके बाद वो करेक्शन आया है, सेरा सैनिटरी वेयर में आया। ये सारे एजुकेशन पर्पजेज के लिए नाम ले रहा हूँ मैं, आपको खरीदने को नहीं बोल रहा, मैं एक थीम सजेस्ट कर रहा हूँ, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो इट इज़ वेरी इजी, 5000 स्टॉक्स हैं, आके मेरे पाँच बता देना, वो बहुत ईजी है बताना, पर थीम को सजेस्ट करके पिक एंड चूज आप करना। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी कुछ बहुत अच्छा करेंगी, किसकी किस बुक वैल्यू पे ट्रेड हो रही है, कौन सी आपको ज़्यादा पसंद आती है, कैसे आपको समझ में आती है, वो आपको चेक करना है। तो ये दूसरी थीम थी। तीसरी थीम जहाँ आपको मुझे लगता है इन्वेस्ट करना चाहिए, वो है मेडिकल।
मेडिकल में मेरे को दो स्टॉक्स आते हैं, तो मैं एजुकेशन पर्पस के लिए आपको बता रहा हूँ, आप उससे बेटर स्टॉक्स बता सकते हैं तो बताना, क्योंकि जैसे जैसे गवर्नमेंट का फोकस इंश्योरेंस पे बढ़ रहा है और गवर्नमेंट ने कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स भी बहुत इंश्योरेंस ला रही है, राजस्थान में आया है, हरियाणा में अभी किडनी और वो सब का करने लगे हैं, और ये इलेक्शन में अब मुद्दा बनता जा रहा है कि भी कोई ना कोई इंश्योरेंस का डालें ताकि लोग इलाज कर सकें। अब जब इलाज करेंगे तो लोग वो सारा सिस्टम मेडिकल वाला बढ़ेगा कि जहाँ जहाँ इलाज होते थे। तो दो स्टॉक्स में मेरे को जो तक समझ में आते हैं, नारायण हृदयालय हैं, एंड ये अपना, सिंस मैं गुड़गांव में रहता हूँ तो मेदांता का मुझे आइडिया है। तो आप वॉच लिस्ट में ऐड करें, इन कंपनीज पे स्टडी करें, कहाँ इनके एक्सपेंशंस हो रहे हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने बेड्स हैं, कितना इनने आगे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, बुक वैल्यू क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, ROE क्या है, ये प्लीज़ screener.in में जाएं, आप वहाँ पे अपनी वॉच लिस्ट बनाएं और इन सबको स्टडी करने की कोशिश करें कि ये थीम्स बताई जा रही हैं एंड ये लॉन्ग टर्म है। ये ऐसा नहीं है कि 2-3 साल में दुकान इनकी ख़त्म हो सकती है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा ये होगा, ठीक है। तो ये वाली थीम में आप डालें, मेदांता का एक अपना शेयर है वो 1000 के आसपास कुछ चल रहा है, नारायण हृदयालय 1200-1250 के बीच में चलता रहता है क्योंकि वीडियो बनता है तो घट बढ़ जाता है, तो तकरीबन मैंने आपको बताया। मैं कोई टारगेट प्राइस ये वो मैं ये देखता हूँ कि यार ये 10 साल के लिए भी अच्छे हैं, 20 साल के लिए भी अच्छे हैं, तो इनको आप बताना कि आपको कितना बढ़िया लगा। और चौथा जो मैं बताना चाहूँगा वो मैं बताना चाहूँगा कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए रियल एस्टेट में, एनीथिंग विच इज़ इन लैक्स। देखो रियल एस्टेट बड़े शहरों में तो सबको CR बहुत ज़्यादा हो चुका है, अगर इन्वेस्टमेंट करना है मिडिल क्लास के लिए तो जहाँ भी लैक्स में चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि प्लॉट्स हों, आप प्लॉट के दीवाने हैं तो प्लॉट में कर लो, कोई बड़ा अच्छा डेवलपर अच्छा शहर कोई स्टोरी प्लॉट दे रहा है तो प्लॉट इस लोगों के बहुत वो रहता है वो ले लो, या कोई छोटे फ्लैट ले लो, क्योंकि बहुत मुश्किल से लाइसेंसेस मिल रहे हैं, बहुत मुश्किल से चीज़ें आ रही हैं, इट्स नॉट इजी एंड बहुत डिमांड है। तो लैक्स में खरीदी हुई चीज़ में आप ज़्यादा, टिकट साइज छोटा है अभी, हो सकता है गवर्नमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन में कुछ शायद चेंज करके वो प्राइस जो 45 लाख का था सुनने में आया उसको 56 लाने की ऐसी कोई बातचीत है, अभी स्पेकुलेटिव है ये, पर हो सकता है क्योंकि पैसे की कीमत कम होती तो डेफिनेशन में तो चेंज होना ही है ना। अब 45 लाख को अगर अफोर्डेबल हाउसिंग बोल दिया था, लिमिट लगा दी थी कि उससे नीचे को 1% GST देना पड़ता है, तो गवर्नमेंट को चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि इन्फ्लेशन है, महंगाई है, सब कुछ है, तो वो चीज़ भी मेरे को ठीक होती दिख रही है। तो ये छोटे टिकट साइज़ में कुछ मिल जाए किसी शहर में तो उसको लेना है। कई लोग कहते हैं कि नहीं वो तो शहर दूर है, मेरा शहर यहाँ है। भैया देखो पैसे जब आप इन्वेस्ट करते हो तो कंपनी भी तो कहीं दूर होती है ना, आप ऐसा तो नहीं बोलोगे कि मेरे को जामनगर में जाके रहोगे तभी रिलायंस का शेयर लूँगा मैं, ऐसे तो नहीं बोलते, आप ले लेते हो नहीं, पर उसको तो देखना पड़ता है ना, किसको, प्रॉपर्टी को। हाँ तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फर्म्स मार्केट में बहुत आ रही हैं, आ चुकी हैं, आने वाली हैं, वेयर इन दे विल टेक केयर, इट विल बिकम उबेर ओला आ जाएंगी बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट की भी, पर जब वो आएंगी उससे पहले रनअप आपको दिखना शुरू हो जाएगा। हमें तो पता है कंपनियों के नाम, आपको अगर गूगल करना है तो स्टेंजा लिविंग, नेस्टवे, जोहो लाइफ, ये सब आप चेक करना, ये कुछ नाम बताएं, और भी 5-7 नाम है अभी एकदम ये नाम आए, आप 5-6 नाम और कहें वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो ये इन्वेस्ट आपको करना है। पाँचवीं चीज़ जो मैं रिकमेंड करूँगा वो भी मैं इन्वेस्टमेंट ही मानूंगा, वो है कि कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे मेरे कुछ छोटे मोटे कोर्सेज हैं, बहुत बढ़िया है, पर्सपेक्टिव देते हैं इमीडिएट, आप उससे कंसल्टेशन करके पैसा कमा सकते हो। तो प्री मैरिटल कंसल्टेशन वाली चीज़ है मेरी, उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा दिवाली 33 लगा के। हैप्पीनेस का कोर्स 1 है, हैप्पीनेस कोर्स 2 है, दोनों अलग अलग हैं, वो खरीद सकते हैं। ज्योतिष का खरीदना चाहते हैं ज्योतिष का खरीद सकते हैं। आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग मात्र 300 रुपये की चीज़ है, उस पर भी डिस्काउंट है दिवाली 33। और फिनेंशियल क्लैरिटी फॉर ऑल 150 रुपये की वर्कशॉप है। आई वॉन्ट लो, देखो, टेस्ट करो, और वो स्ट्रक्चर्ड वे में 2 घंटे बोला गया है, 1.5 घंटे 2 घंटे बताई गई है, उस पर लोगों ने प्रेजेंटेशंस बनाई हैं, लोगों को दी हैं, एंड पीपल आर यू नो साउंडिंग वेरी इंटेलिजेंट टू देयर पीयर ग्रुप जहाँ भी करते हैं, एंड उन कई बहुत लोगों ने मोनिटाइज किया है प्री मैरिटल कंसल्टेशन से, तो बहुत लोगों ने बहुत पैसा कमा लिया। 30 गोल्डन सवाल शादी से पहले जो लड़का लड़की वालों से पूछे जाने चाहिए एज ए कंसल्टेंट, ताकि दोनों को पता चल जाए, क्योंकि शर्मा शर्मी में बहुत तो पूछते नहीं बेसिक सवाल, तो वो वर्कशॉप तो मैंडेटरी है, वो तो आप लो ही लो, उसके अलावा बाकी भी ले लो,
डिस्काउंट भी चल रहा है तो वो भी इन्वेस्टमेंट ही है. यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ ऑल्सो ना. स्कूल की पढ़ाई कर ली, कॉलेज की कर ली, नौकरी लग गई, अब क्या? अगर आप हाउस वाइफ हैं तो अब क्या क्या करें? तो क्या आप कंसल्टेंट नहीं बन सकती? बन सकती हैं, ठीक है. प्री मैरिटल कंसल्टेंट क्या काम करते हैं जी? हम सवाल पूछते हैं. कौन सवाल पूछते हैं? जो लड़के का पिताजी लड़की की माँ से पूछ नहीं सकता, वो सवाल हम ही पूछ देते हैं कि क्या ऐसे होगा. जो लड़की की माँ लड़के की माँ से पूछना चाहती है पर पूछ नहीं सकती, ताकि क्लियर हो जाए ना कि क्या होगा. नहीं तो बाद में क्लियर होता है, फिर जूते बजते हैं, फिर हमारे जैसों की दुकान चलती है मैरिटल काउंसलिंग वालों की. तो हम तो अपने पेट पे लात मार के ही आपको बता रहे हैं कि भैया पहले से ही गाड़ी खरीदने भी जाता है तो आदमी चार सवाल पूछता है ना, पर पता होने चाहिए ना क्या पूछने कि कितनी हॉर्स पावर है, माइलेज क्या है, क्या सेफ्टी फीचर्स हैं. कुछ तो सवाल पूछता है मोबाइल खरीदने से पहले भी. सेम चीज़ प्री मैरिटल कंसल्टेशन. तो प्लीज़ ये इन चीज़ों में आप इन्वेस्ट करें इस दिवाली, ठीक है, खर्चा पानी करें. एंड दीज आर ऑल रिटर्न्स. कौन से वाले में सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे वो चेक करेंगे नेक्स्ट दिवाली. जो मैंने अपना कोर्सेज उस पर तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है, क्योंकि वो बेस प्राइस ही हंड्रेड्स के अंदर है. तो हंड्रेड्स पे कुछ इन्वेस्ट करके तो बहुत ज़्यादा मिलेगा. लेकिन जो बाकी मैंने चार चीज़ बताई, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी नाइस एंड नीश वो हैं, एंड उनमें आप पक्का जोर लगाएंगे. एंड स्पार्कल योर दिवाली दिस टाइम, एंड कंटिन्यू यू नो वॉचिंग द चैनल, लाइकिंग, कमेंट सेक्शन में शेयर करें. एंड अच्छा जितना लिखना चाहते हैं लिखें, बुरा कुछ मत लिखें. बुरा लिख के कोई फ़ायदा नहीं होता, अच्छा नहीं होता. जोर लगा के वीडियो बनाते हैं, भाई साहब नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर लिखें. एंड लाइक करें, शेयर करें, एंड सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएं अपनी फैमिली में. अकेले ज्ञानी बनकर फैमिली में कोई फ़ायदा नहीं. मेरे को बहुत लोग बोलते हैं, गुरुजी मैं आपके वीडियो फॉरवर्ड नहीं करता था कि मैं ज्ञानी बन जाऊं. इट्स ओके कि फ्रेंड से ज़्यादा ज्ञानी बन गए दूर वाले, पर अपने परिवार में अकेला ज्ञानी बन के कोई फ़ायदा नहीं है. बिकॉज यू विल हैव टू कैरी देम ऑल्सो. बिकॉज कई बार क्या, पिताजी ज्ञानी बने नहीं, आप अकेले बन गए, पैसे पिताजी के पास हैं, करा लो इन्वेस्ट. मैं अकेला बहुत ज्ञानी हो गया, क्या फ़ायदा है? आप बनने ज्ञानी बन गए, बीवी को बनाया नहीं आपने, बीवी रहेगी थोड़ी पीछे, वो अपने चीज़ों में, फिर वो देख लेना पक्का नहीं है, ऐसे नहीं है, वो कलेश, वो भी दोनों इकट्ठे आ जाएंगे तो बेटर है ना. तो परिवार में सब्सक्राइबर बढ़ाने की रिक्वेस्ट है, 2 से 3 सब्सक्राइबर बढ़ा दें. कौन कितने बढ़ा रहा है इस दिवाली तो पक्का बता दें कि मैं 2 बढ़ा रहा हूँ, 3 बढ़ा रहा हूँ. अगर आप लाइव देखना चाहते हैं कोई लाइव सेशन 30th या कुछ को, तो ज़रूर बताना, प्लान करेंगे. थैंक यू वेरी मच.